जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम आ गए फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज ब्लॉग जो है बनेगा परी की सेरेलस के साथ। परी की सेरेलस अभी खत्म हो गई है, परी के पापा परी के लिए सेरेलस लेने जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज सेरेलस कैसे परी को खिलाते हैं, कैसे करा जाता है, सब वीडियो में लाएंगे, सबको दिखाएंगे। तो अभी जा रहे हैं परी के पापा सेरेलस लेने। आप लोग प्लीज वीडियो में बने रहे, आगे तक की दुकान पर जाके मिलते हैं। जैसे दोस्तों सेरेलस खत्म हो गया परी का, तो अभी सेरेलस हम लोग लेने जाएंगे। तो आज का जो वीडियो रहेगा सेरेलस कैसे बच्चों को खिलाते हैं वो तरीका आपको बताएंगे दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं घर से निकल गया हूँ, रास्ते में से जा रहा हूँ मेडिकल, तो सामने दोस्तों पुलिस का रैली जा रहा है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं मेडिकल पहुंच चुका हूं, अभी अंदर घुसते हैं। भैया 12 प्लस सेरेलस दे दो एक। जैसे कि आप लोग देख सकते हो भैया का हाइट छोटा है तो टूल लगा के उतर रहा है सेरेलस को। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी सेरेलस मिल चुका है। तो दोस्तों अभी रूम जाने के बाद ही आपको वीडियो में बताएंगे। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो मैं रूम आ चुका हूँ परी के लिए सेरेलस लेके। अभी सेरेलस लेके खेल रही है, अभी इसका खिलाने का तरीका कैसे है आपको बनाएंगे वीडियो में। वीडियो में दोस्तों आप लोग बने रहे। ठीक है दोस्तों, परी परी हेलो कर दो, हेलो। कुछ नहीं बोलना है, खाना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो परी के पापा आ गए सेरेलस लेके। और ये रही सेरेलस, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको बच्चे को खिलाना चाहिए। 6 मंथ से लेके 18 मंथ तक है ये सेरेलस। मैंने भी परी को 6 मंथ से लेके, तो अभी परी हो चुकी है 12 मंथ की। तो आज हम लाए 12 प्लस की, तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर परी को खिलाएंगे, इसको कैसे खिलाते हैं, उसको कैसे बनानी है, सब आप लोग वीडियो में बनाए बताएंगे। तो प्लीज वीडियो में आप लोग बने रहिए। अभी इसको हम निकाल लेते हैं, ये कैसे निकलते हैं। परी परी जिंदगी आप लोग देख सकते हो, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने खोल दिया है इसको। और इसके साथ चम्मच भी आती है, कोई 1 चम्मच या 2 चम्मच 1.5 चम्मच जैसे आपके बच्चे खाए वैसे खिलाना। पर ये बच्चे को इस चम्मच की मदद से ही खिलाना, ऐसा कुछ निकलता है ये। तो हम दिखाओ इधर, ये देख सकते हो यहाँ सब रूल्स पता है गाइस, कैसे खिलाना चाहिए, कैसे इसको बनाना चाहिए। यहाँ सब देसी वेजी जिनको पढ़ना आता है वो पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ सब कुछ लिखा है कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है। तो प्लीज जो भी लाइएगा जरूर एक बार इसको ध्यान से देख के पढ़ के फिर उसके बाद ही बच्चों को खिलाइए। तो इसमें हम गाइस इसमें आता है, तो इसमें हम नहीं रखते, हवा ववा लग जाती है तो जम जाती है। तो हम इसको इस डब्बे में निकाल लेंगे, आप भी निकाल सकते हो। तो इसको अभी इसमें निकाल लेते हैं गाइस। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी इसका पानी गर्म करने के लिए दिया था, तो थोड़ा सा पानी गर्म हो गया है, अभी इसको हम लोग घोलेंगे सेरेलस को। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इसमें मैंने ले लिया है गर्म पानी, अब इसमें डालेंगे सेरेलस। परी थोड़ी बड़ी हो चुकी है इसलिए उसको 2 चम्मच देती हूँ। 2 चम्मच मैंने दे दिए इसमें, अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। गाइस जिसके बच्चे छोटे हैं 6 मंथ के हैं, जो चम्मच से नहीं खाते वो नेपल में भी एकदम से दूध जैसे घोल के खिला सकते हैं। ये बिल्कुल हो चुका है, ये भी हो गया है, इसको घोल लिया है, आप परी को खिलाएंगे। तो ये थोड़ा गर्म है जिसको ठंडा हो जाने देंगे, फिर उसके बाद परी को खिलाएंगे। देख सकते हो आप लोग ये ठंडा हो चुका है,
मेरी परी की तो बहुत पसंद है, परी खाने में कुछ नहीं खाती, यही खाती है। मतलब पूरा मिला के इसका सेरेलैक्स फेवरेट है, ऐसा आप बोल सकते हो? मतलब पूरा दिन में कितने बार खाती है सेरेलैक्स? दो बार सेरेलैक्स खाती है। सुबह में खाती है 11 बजे। हाँ, और अभी खिलाती हूँ 6 बजे। 6 बजे तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो अच्छे लगेंगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, हो सकता है बेल आइकन भी दबा देना। दोस्तों वीडियो आप लोग के लिए बनाया है, इसको वीडियो को एंजॉय करो, आप लोग कुछ गलत मत समझना, वीडियो को सब एंजॉय करो। आप कुछ बोलोगे? तो गाइस प्लीज आप लोग बच्चे को खिलाना जरूर, बहुत अच्छी चीज है, इसमें से बच्चे को ताकत आती है और बच्चे चलना सीखते, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छे है ये। तो प्लीज आप लोग भी खिलाइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल जिन्होंने किया, और बेल आइकन को दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। चलो दोस्तों बाय।